ऐसा कहीं पे क्या शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या, ये बताया गया है अगर जिस भक्त का यूट्यूब में वीडियो हो, बहुत चल रहा है उसका वीडियो, जो वीडियो बनाता है यूट्यूब में, उसको उसमें उससे भगवान बहुत प्रसन्न होता है, गुरु उसका जो गुरुदेव है वो बहुत खुश होते हैं, ऐसा क्या लिखा हुआ है क्या? जो यूट्यूब में वीडियो नहीं बनाता हो, जिसका यूट्यूब में वीडियो नहीं हो, भगवान उससे खुश नहीं होता है, गुरु महाराज खुश नहीं होता है, ऐसा लिखा है क्या कहीं पे? कि जिन शिष्यों की वीडियो यूट्यूब में होते हैं उनके गुरु महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, जिस भक्तों का जिन शिष्यों का यूट्यूब में वीडियो नहीं होते हैं उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, गुरु महाराज खुश नहीं होते उनसे, ऐसा कहीं पे लिखा है क्या? तो ये जो यूट्यूब में वीडियो होना, वीडियो बनाना, ये धाम जाने के लिए, वैकुंठ गोलोक धाम जाने का कोई गारंटी नहीं है कि मेरा तो यूट्यूब में वीडियो चल रहा है, मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो जरूर धाम जाऊंगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हो सकता है मैं यहीं पे रह जाऊं और आप लोग चले जाओ धाम, फिर आप जब वहां पहुंचेंगे तो कृष्ण भगवान आपको बताएंगे कि वो यूट्यूब वाला था, यूट्यूब में वीडियो बनाता था, वो वहीं पे रह गया यूट्यूब पे, ही इज इन यूट्यूब धाम एंड योर वेलकम इन गोलोक धाम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूट्यूब में वीडियो बनाता है, जिसका वीडियो चल रहा है यूट्यूब में, जो बना रहा है, वो धाम पहुंच जाए भगवान के पास, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो वहीं पे रह जाए यूट्यूब धाम पे, क्योंकि वो देखते रह जाएगा ना कितना कमेंट आ रहा है, कितना लाइक आ रहा है, कौन कितना वीडियो देख रहा है, कौन क्या अच्छा कमेंट कर रहा है, बुरा कमेंट कर रहा है, कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है, यही देखने में लग जाएगा वो, भगवान का नाम नहीं लेगा, कुछ नहीं करेगा, प्रचार प्रसार भी ठीक से नहीं कर पाएगा, वो यही देखते व्यस्त हो जाएगा और यहीं पे रह जाएगा, भगवान के पास पहुंच नहीं पाएगा, और यही सब करते करते, यही सब देखते देखते यहीं पे रह जाएगा और यहीं पे मर जाएगा, बस यूट्यूब धाम में ही रह जाएगा, गोलोक धाम और पहुंच नहीं पाएगा कभी भगवान के पास। तो इसीलिए इन सब चक्रों से मत पड़ो कि वीडियो बनाऊंगा, भगवान को प्रसन्न करूंगा, गुरु महाराज खुश हो जाएंगे, भक्त बन जाओ, ये सब चक्कर में मत पड़ो। भगवान आप सबसे ज़्यादा खुशी होते हैं, आप सबसे ज़्यादा प्रसन्न है गुरुदेव, क्योंकि आप लोग हरि नाम लेते हो अच्छे से। मैं तो शुद्ध भक्त भी नहीं हूँ ठीक से, लेकिन फिर भी प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब नहीं है कि जिनका यूट्यूब में वीडियो नहीं है वो भक्त नहीं है, जो वीडियो नहीं बना पाता है यूट्यूब में, भगवान के बारे में बोल नहीं पाता है, वो अच्छे भक्त नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे भक्त हो, जो श्रवण करता है उसका महत्व ज़्यादा होता है, बोलने वाले से सुनने वाले का ज़्यादा महत्व होता है। तो आप गोलोक धाम जाओगे और हो सकता है मैं यूट्यूब धाम में ही रह जाऊँ, क्योंकि आप सुन रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप डिसाइड कीजिए कि यूट्यूब धाम में रहना है कि गोलोक धाम जाना है। भगवान मेरे को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, मेरा गुरुदेव मेरे को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, मैं नालायकों में से आता हूँ मेरे जैसा कभी नहीं बनना और मेरे जैसा शिष्य बनने की कोशिश भी नहीं करना। आप गोलोक धाम जाने की प्रयास करो, ना कि यूट्यूब धाम में रहने की। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहिए, वायरल होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की सेवा में लगे रहिए, नाम भजन करिए, गोलोक धाम मिलेगा आपको, नहीं तो फिर फंसते रह जाओगे यूट्यूब धाम में ही, बनाते रहोगे बस, यही देखते रह जाओगे कितना लाइक आ रहा है, कितना कमेंट आ रहा है, कौन सा वीडियो कौन क्या कहाँ शेयर हो रहा है, कौन वायरल हो रहा है, कौन सा वीडियो, यही देखते रह जाओगे, बाद में आपको यूट्यूब धाम मिलेगा। नो गोलोक धाम, ओनली यूट्यूब धाम फॉर यू। तो गोलोक धाम की जय हो, यूट्यूब धाम की पराजय हो। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।